नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डी जेनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। अभी ये एक नॉर्मल एक टॉपिक पे आया हूं मैं। जैसे हमारे जो सब्सक्राइबर है, बहुत सारे सब्सक्राइबर है, बहुत कुछ क्वेश्चंस से और बहुत ही इंटरेस्ट से बहुत कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं एक एक करके सबका क्वेश्चंस, मैं सोचा कि ऐसे आप लोगों को जवाब दूँ जो आप समझ पाए मेरे बात को। ये एक नया तरीका है जो मैंने सोचा, क्योंकि इसमें क्या होता है वो इंट्रैक्शन जो है सबसे, आप लोगों से सब सही हो जाता है, समझ गया। तो अभी तो मैं, अब मेरे पास ऑडियो नहीं है, उधर बच्चा जो है उधर टीवी देख रहा है, तो मैंने सोचा इधर ही एक कैमरा है मेरे पास, तो उसी से मैं बात करूँ। लेकिन ऑफकोर्स ज़्यादा क्लियर नहीं होगा ऑडियो, लेकिन फिर भी सही है। Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. तो हाँ, ये क्वेश्चन है दोस्तों, यश पुजारी ने पूछा है, how to earn money as a music producer? I am making music and remixes for 3 years. I am very interested in music production. I want to choose music as career. So any guidance from you, sir? तो हिंदी में बताया तो यश पुजारी पूछ रहा है कि मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने के बाद कैसे मैं पैसा कमा सकता हूँ, और वो म्यूजिक और रिमिक्सेस 3 साल से बना रहे हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन में बहुत इंटरेस्ट है उनको, और उनको म्यूजिक जो है उनका कैरियर बनाना चाहते हैं वो, तो कुछ मेरे तरफ से गाइडेंस, मैं कुछ बोल सकता हूँ उनके लिए कुछ। तो मैं एक 10 पॉइंट्स लेके आया हूँ दोस्तों, जो भी म्यूजिक के रिलेटेड काम करना चाहते हो या वो लोग फोकस करना चाहते हो, मैं 10 पॉइंट्स बनाया मेरा जो मेरा पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है जो शुरू किया मैंने, तो मैं वो 10 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो पहला पॉइंट है पैशन और टाइम। पैशन क्या होता है? एक जुनून होता है, और टाइम डेफिनेटली समय। जो पैशन है हमारे अंदर जो म्यूजिक करने का, वो पैशन में कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि लोगों के पास पैसा नहीं होता। मेन प्रॉब्लम पैसे का होता है कि वो लोग वो फील्ड फॉलो नहीं कर सकते, तो जब ये प्रॉब्लम होता है वो पैशन जो है निकल जाता है आपका, तो वो पैशन पैशन नहीं रहता फिर। बहुत लोगों का मैं समझ सकता हूँ, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है पैसे का, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, तो वो जो पैशन जो बन जाते हैं पैसे के कारण वो लोग दबा देते हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो 35 साल के बाद, 40 साल के बाद, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, वो लोग अपना म्यूजिक को फॉलो करना चाहते हैं। पैशन था उनका, लेकिन उस टाइम पर ऐसे था कि यार पैसा नहीं है, नहीं तो घर पे दबाव जो होता है फैमिली का, पेरेंट्स का दबाव हो गया, तुम पढ़ाई करो, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये भी प्रॉब्लम होता है। तो लेकिन आजकल मेरे को लग रहा है कि बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं समझने लग गए कि इसमें भी बहुत कुछ कर सकते, लेकिन वो आपके ऊपर है। बेसिकली आपका जो दिल है, दिमाग है, आपके ऊपर है कि आप कैसे फॉलो करना चाहते हो आपका पैशन। तो जब पैशन होता है, ना पैसा और ना ही किसी का जो जोर है आपके ऊपर असर होना चाहिए, तो आप वो पैशन को साइड से भी शुरू कर सकते, आराम आराम से, छोटा छोटा करके। आप कैसे भी हो, आप आराम से अपने तरफ से, अपने लेवल से आप उसको बढ़ा सकते हो, बढ़ोतरी दे सकते हो और समय दे सकते हो। अगर आपके घर वाले बोल रहे हैं यार बेटा पढ़ाई करो तुम, या यार काम करो तुम, ये म्यूजिक में कहां से पैसा मिलेगा, ये सब बोलने दो उनको। आप क्या करें, आप अपने 1 घंटा या 2 घंटा हर दिन का निकाले और अपना टाइम अपना पैशन के लिए दे, अपना समय अपना जुनून के लिए दे, 1 घंटा 2 घंटा सबको सोने दो, उसके बाद 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 1 या 2 घंटा बस अपना टाइम अपना समय अपना जुनून के लिए दे। एक दिन देखिए वो जो समय आपके पास मिलता है वो एक दिन आपको आगे लेके जाएगा, लेकिन देना है। ये नहीं कि 10 बजे या 9 बजे यार अभी तो मैं थक गया हूं सो जाता हूं कल कर लेंगे, ऐसे में कोई कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। तो जुनून और समय साथ में देना, एटलीस्ट 1 या 2 घंटा। दूसरा पॉइंट है सेविंग्स, मतलब बचत। जो मैंने पहले बताया पैशन जो है जुनून और समय, उसके बाद आता है सेविंग्स मतलब बचत। अभी इधर दूसरा चीज होता है, सबसे पहले मैंने बताया आपको पैसे का बहुत प्रॉब्लम होता है सबको, दूसरा चीज होता है बचत। पैसा जितना भी आपको मिल रहा हो, पॉकेट मनी हो, आप जो भी काम कर रहा हो, उसमें से एक 10% या 10% बचा के रखिए हर महीना। एक 10% भी आप बचा के रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है डाल सकते हो, आपके जो चीजें आपको चाहिए, ये साउंड कार्ड हो गया, माइक हो गया, फिर सॉफ्टवेयर हो गया, मिडी कीबोर्ड हो गया, थोड़ा 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 आप करके अगर वो बचाएंगे और ऐसे ऐसे चीजें आप खरीदते रहेंगे, आपका खुद का एक बिजनेस बनाने का सब सामान आपके पास हो जाएगा, बिजनेस शुरू करने का सामान आपके पास आ जाएगा।
कोई भी लोग ऐसे नहीं करते, वो लोग क्या करते, हाँ यार ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, घर पे पड़ा हुआ है 5 महीने से धूल मिट्टी लगा हुआ है। तो इधर दूसरा हार होता है, या तो आप बचाइए, बचा के रखिए। जब आपका पैशन, कोई कोई लोग में ऐसा होता है कि पैशन ऐसा उभर के आता है कि यार जुनून ऐसा होता है कि यार 5 दिन ऐसा दिखाएगा जुनून प्रोड्यूसर की तरह, बाद में क्या है 5 दिन के बाद 5 साल तक कुछ नहीं करेंगे, नहीं तो 5 महीने तक कुछ नहीं करेंगे। तो बचत कीजिए अपना, जब आपको लगेगा कि आपका समय आ गया इन्वेस्ट कीजिए उसको, वो जो बचत को है इन्वेस्ट कीजिए। तीसरा पॉइंट, फोकस, मतलब ध्यान। आपका जो ध्यान है, फोकस जो है, उस पे ही होना चाहिए। अगर आपका फोकस बिगड़ गया, जैसे देखा टाइम लगा फोकस, एक बार फोकस बिगड़ गया टाइम लगता है थोड़ा, ये तो टेक्नोलॉजी, इसलिए कैमरा ने मेरे को जल्दी फोकस कर लिया, लेकिन एक बार फोकस बिगड़ गया आपका तो फिर वो वापस लेके आने में टाइम लगता है। तो आपका ध्यान जो है, अगर आपको करना है, मन में दिमाग में ध्यान दिए, फोकस कर करे कि मुझे ये जरूर करना है, मुझे ये जरूर बनना है, मुझे म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है, मुझे ऑडियो इंजीनियर बनना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। चौथा पॉइंट, बहुत लोग हैं जो म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम म्यूजिक प्रोड्यूसर से, वो लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन में मैं म्यूजिक भेज दूंगा तो मैं पैसा कमा सकता हूँ, और मैं किसी को रिमिक्स बना दूंगा मैं पैसा कमा सकता हूँ, नहीं तो गाने बना के बेच सकता हूँ। आसान नहीं है ये सब, इतना आसान नहीं है ये सब। हजारों लाखों करोड़ों प्रोड्यूसर्स है इधर, अगर आपको कुछ करना आगे, आजकल क्या हो गया है, आपको अपडेट रखना चाहिए अपने आप को। अभी आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीख लिया, थोड़ा बहुत FL स्टूडियो सीख लिया, थोड़ा बहुत लॉजिक प्रो सीख लिया, थोड़ा बहुत क्यूबेस सीख लिया, और आपको म्यूजिक गिटार बजाना आता है आपको, और आप लग गए भाई, अब तो मैं शुरू हो गया कमाने के लिए। कौन बुलाएगा आपको कमाने के लिए, बॉलीवुड वाले? अगर आपको चांस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अरे बॉलीवुड में भी पैसा नहीं मिलता आजकल, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स उधर पड़े हुए जो पैसा नहीं मिलता उनको, तो बहुत आसान नहीं है ये। सबसे बड़ी चीज है, जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, हर दिन जब पढ़ेंगे आपको उसका एक्सपीरियंस और नॉलेज जब मिलता है आपको, कुछ ना कुछ काम रिलेटेड आता है। अभी मैं रिलेटेड क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोडक्शन किया या FL स्टूडियो जैसे म्यूजिक बनाना आता है आपको, तो ऑडियो इंजीनियरिंग भी कीजिए उसके साथ। ऑडियो इंजीनियरिंग ऐसा काम होता है जैसे कि आप कहीं पे भी जाके, कोई भी पार्टी में हो गया, कुछ भी हो गया, अगर साउंड भी अगर आप कनेक्शन करके देंगे आपको 1-3 हज़ार 5 हज़ार तो ऐसे मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जस्ट नॉर्मल 1 घंटे के लिए जाएंगे आपको 5-10 हज़ार तक भी मिल सकता है, डिपेंड करता है आपका नाम कितना, आप कितना अच्छा साउंड इंजीनियर हो। अगर मिक्सर आप सेटअप करके दे दे उनको और मिक्सिंग कर दे उधर, लाइव का जो शो चल रहेगा, डीजे का इक्विपमेंट हो गया, बैंड का हो गया, वो सब मिक्सिंग करके दे दे, 2-3 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, कमाई होगी आपका उधर ही। और ये रिलेटेड है भाइयों, ये रिलेटेड है। सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर घर पे बैठ के AC में बैठा, नहीं तो फैन के नीचे बैठा, कमाई नहीं होगा कोई। बाहर जाके मेहनत कीजिए, ऑडियो इंजीनियरिंग भी सीखिए आप, साउंड इंजीनियरिंग सीखिए, ये दोनों रिलेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये दोनों रिलेटेड है। मैंने भी पहले ऐसे ही सोचा था, मैं घर पे बैठ के बहुत रिमिक्स बनाया, नाम तो कमाया लेकिन कमाई नहीं हुआ मुझे, नाम कमाया लेकिन कमाई नहीं हुआ। हाँ एक चीज हो सकता है, अगर आप प्रोड्यूसर बन रहे हो, DJ भी हो, तो फिर आपको शोज मिल सकता है, शोज में आप कमा सकते हो। प्रोड्यूसर बन के आप नहीं कमा सकते ज्यादा। बहुत सारे DJs होंगे, उन बोले यार मुझे रिमिक्स बना दे, तेरे 500 दूंगा, 1000 दूंगा एक एक रिमिक्स का। आप बैठे रहेंगे 1-2 दिन रिमिक्स बना के, नाम वो कमा रहा है और वो कमाते यार आप 1000 कमा रहे, वो 15-20 हज़ार कमा रहा है। तो सीखिए, और भी सीखिए, जो भी म्यूजिक रिलेटेड हो अपना नॉलेज बढ़ाइए, नॉलेज इज पावर, ठीक है। अभी दोस्तों पांचवा, स्थिरता, मतलब कंसिस्टेंसी। स्थिरता जो है ये चीज है जो, जैसे मैंने आपको बताया, फोकस और स्थिरता ऑलमोस्ट रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, ये स्थिरता जो है लोगों में निकल जाता है। आज जैसे 5 दिन मैं तो आज म्यूजिक ही बनाऊंगा, 5 दिन बैठ गया भाई, उसके बाद 5 महीने जाके कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ आज कर रहे हो, जैसे मैं खुद का अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ, जब मैंने यूट्यूब का चैनल शुरू किया था 2007 में, शुरू किया था सितंबर में, 2007 से लेकर 2015 तक मैंने कुछ भी नहीं किया, एक वीडियो डाल दिया, कभी 2 वीडियो डाल दिया, तो मेरे सब्सक्राइबर कुछ 20-30 थे। अभी पिछले साल या पिछले साल मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे इंग्लिश में, मैं डालते रहा, मेरे को कुछ 300, 400, 600 सब्सक्राइबर आए, अच्छा था, चल रहा था,
मैंने अपना एक्वेरियम था, मैं मछली का, मेरे को अच्छा लगता था मछली घर पे, तो उनका मैंने वीडियो बनाया, उनका ट्रीटमेंट का वीडियो बनाया, वो सब अच्छा खासा मेरे को, और मेरे ट्रैवलिंग का वीडियो बनाया, तो ये सब मैं डालता रहा। लेकिन क्या था, कभी एक महीने में एक वीडियो, कभी पांच महीने में एक वीडियो, कभी तीन दिन में चार वीडियो, तो वो स्थिरता नहीं था मेरे में। लेकिन जब मैंने शुरू किया हिंदी में, जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर रोहित भाटिया, उन्होंने बताया था, सर आप हमको हिंदी में बताइए क्योंकि हमको इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो यार मैंने भी सोचा यार हाँ, मैं तो हूँ अभी इंडिया से ही, और मेरा जो बोल सकता मदर टंग या मातृभाषा ऐसे हिंदी नहीं बोल सकते हम लोग, लेकिन फिर भी हमारा जो मेन लैंग्वेज है हिंदी है, तो हिंदी में क्यों ना करें। और मेरे इतने सारे दोस्त भाई लोग हैं, सब हम लोग सब हिंदी में ही बात करते हैं। अगर जर्मन वाला जर्मनी में बात कर सकता है, चाइनीज वाला चाइनीज में, मैं क्यों नहीं हिंदी में बात कर सकता। इंग्लिश में बात करें क्या ज़्यादा, मैं ज़्यादा ही मार लूंगा। नहीं, मैंने हिंदी में जब शुरू किया दोस्तों, और मैं जब शुरू किया मज़ा आया मुझे। पहले तो मेरे को थोड़ा शर्म आ रहा था, लेकिन मज़ा आया जब मेरे को रिस्पॉन्स मिला हिंदी में, लोगों का बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद मैं हफ्ते में दो दो वीडियो डालने लग गया, फिर मैं हफ्ते में तीन तीन वीडियो, चार चार वीडियो, फिर मैंने रोक दिया वापस। तब मैं देखा यार, जब मैं हफ्ते में एक कंसिस्टेंसी रख रहा था, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए, फिर 1,000, 2,000, 3,000 सब्सक्राइबर हो गया। अभी रिसेंटली मैंने, अभी आप लोगों के साथ, मेरे को लग रहा है अभी पिछले दो हफ्ते से, जब से ये क्वारंटाइन हुआ है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको, मैं हर दिन वीडियो बना रहा हूँ और हर दिन नए नए टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। आज पता है मेरा सब्सक्राइबर कितना है? 7,500 से ऊपर हो गया। कैसे? स्थिरता। ये स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं YouTube से ज्यादा कमा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो कमाई आ रहा है मेरे को, ये तो बचत में जा रहा है ना मेरा, मेरा मेन सैलरी से नहीं, ये मेरा पैसिव इनकम हो गया, मेरा बचत में जा रहा है। तो ये स्थिरता के कारण मुझे आज थोड़ा बहुत कमाई हो रहा है YouTube से। तो आप भी स्थिरता रखिए अपने काम पे, अगर आपको कुछ करना है, हासिल करना है, वो स्थिरता बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। ठीक है दोस्तों, छठा पॉइंट, बिजनेस करें या जॉब करें म्यूजिक प्रोडक्शन में, ये अपॉर्चुनिटी तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, या ये तो चॉइस तो मिलेगा ही मिलेगा। शायद हो सकता है कि आप अच्छे प्रोड्यूसर बन गए, अच्छे ऑडियो इंजीनियर बन गए, साउंड इंजीनियर बन गए, तो आप बिजनेस करना चाहेंगे या आप जॉब करना चाहेंगे, ये तो टोटली आपके ऊपर है। जॉब करेंगे आपको इतना महीने में इतना ही मिलेगा, बिजनेस करना है तो आपको सेविंग्स चाहिए, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए और वो बिजनेस बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए टाइम लगता है। तो ये चॉइस मैं आप लोगों को देता हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी बिजनेस के लिए तो डेफिनेटली टाइम लगेगा। जॉब के लिए क्या, आप जिस बंदे का बिजनेस ऑलरेडी सेट हो, शायद आप सीख सकते हो उनसे, तो आइडिया सीख सकते हो, ले सकते हो। अगर ये सेम ऑडियो इंजीनियरिंग या म्यूजिक प्रोडक्शन के लाइन पे जा रहे हो आप, तो उनसे सीख सकते हो। तो पहले जॉब कीजिए, थोड़ा आइडिया लीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद बिजनेस कीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे, ठीक है, और पैसा डूब जाएगा। सातवां, इन्वेस्टमेंट और एक्सपीरियंस, मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश और अनुभव। अभी तक जैसे मैंने बताया आपको, जॉब एक अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, और वो इन्वेस्टमेंट है आपका। ये मत सोचना मैं और किसी के लिए काम कर रहा हूं, यार मैं 5 साल से उधर अटका हुआ हूं, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा। सब लोग यही सोचते हैं कि सैलरी नहीं बढ़ रहा, मेरा सैलरी नहीं बढ़ रहा। यार तुम ये नहीं सोच रहे हो तुम कितना सीख रहे हो, और तुम कितना टाइम उधर लगा के तुमने जो जो चीजें सीखा है, ये जो अनुभव जो है आपका, वो अनुभव आप अपने बिजनेस में डाल सकते हो। सैलरी को मारो गोली, इन्वेस्टमेंट पे लगाओ। इन्वेस्टमेंट जो आप अभी टाइम दे रहे हो, वो आपके इन्वेस्टमेंट है। तो सैलरी पे मत जाओ, ये सोचो कि मेरा जो अनुभव है अभी जो बड़ा है, वो आपका सबसे बड़ा सैलरी है। समझ गया? अगर आपको लग रहा है ठीक है मेरे पास अभी इतना नॉलेज आ गया है, तो जाइए खोलिए बिजनेस, कॉन्फिडेंस लेके आइए, लेकिन अपने ऊपर। दूसरों को मत बोले कि मेरा सैलरी कम दे रहा है, वो ये हो गया कंप्लेंट्स। ये कंप्लेंट्स ना कीजिए, बाहर निकलो, फिर निकालो अपना पैसा, निकालो, डालो जो सीखा है, इन्वेस्टमेंट किया है, जो अनुभव है आपका, लगाओ फिर बनाओ। समझिया? अभी आठवां पॉइंट, अगर आप बिजनेस खोल दिया, सोचो कैसे बढ़ाएंगे बिजनेस। सबसे पहला होता है, देखो एक फल का जो एक बीज होता है, एप्पल का बीज ले लो आप, अगर हम डालेंगे आज, यार टाइम लगता है उसको, पहले पौधा बनता है, फिर उसके बाद पेड़ बनता है, टाइम लगता है 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद फल निकलता है। तो बिजनेस डेवलप होने के लिए टाइम लगता है, वो सिंपल सा एग्जांपल है। फल आपको बाद में मिलेगा, 3 साल लगेगा, शायद 2 साल लगेगा, शायद
पांच साल है, कभी कभी हो सकता है कि पांच महीने में आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, डिपेंड करता है। लेकिन हार मत मानिएगा, हार मानेंगे तो फिर खत्म हो गया, समझ गया। तो ये टाइम लगता है अपना, जो ये है कैसे आप आगे लेके जाएंगे। सबसे पहला तो बिजनेस शुरू करेंगे तो ये सबसे मेन चीज है जो लोग भूल जाता है कि सबसे पहले दोस्तों से शुरू कीजिए अपना एडवर्टाइजमेंट करना, फिर फैमिली मेंबर्स है, नाइबर्स हो गए जो आपकी गली के साथ एडवर्टाइजमेंट के लिए आप अपना विजिटिंग कार्ड बनाइए, पैम्फलेट्स बनाइए, खुद जाके दीजिए, सबसे बात कीजिए अच्छी तरह। जो आप अपने आप नहीं जाएंगे, पब्लिक को नहीं मालूम पड़ेगा यार ये बंदा कैसा है। अभी आप मुझसे बात करो, कोई नहीं जानता डीजे नहीं कौन है, लेकिन आप मुझसे बात कर रहे हो अभी, आप मेरे सामने, आप अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं सर मैं क्या करूं, अगर मैं प्रोड्यूसर बनना हो, ये करना हो, मैं क्या करूं। तो अभी आप मेरा बात सुन रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि आपने मुझसे पर्सनली पूछा वो क्वेश्चन, तो इसलिए मैं पर्सनली आपको जवाब भी दे रहा हूं। तो इसलिए पर्सनली अगर आप जाके एडवर्टाइज करेंगे अपने दोस्तों से या अपने नाइबर लोगों से, मतलब या अपने फैमिली मेंबर से, वो लोग खुद आएंगे आपको देखने के लिए, आपका कंपनी देखने के लिए, आप जो स्टूडियो खोला हुआ है आपका काम देखने के लिए। पहले एक दो काम फ्री में कर दीजिए, बाद में वापस आएंगे। हमेशा फ्री में मत करना, कम पैसे में करके फिर थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, पैसा बढ़ाइए, ठीक है। तो एडवर्टाइज अमंग फैमिली एंड फ्रेंड्स। नौवां पॉइंट, अपना गलती से सीखिए, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आपने बिजनेस शुरू किया, आपका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम गलती करेंगे, क्यों? हम इंसान है, गलती जरूर करते हैं हम लोग। तो अपना गलती से जब तक हम लोग खुद नहीं सीखेंगे, हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरों को उंगली मत दिखाइए, यार वो तेरी गलती थी, मेरी गलती नहीं थी। नहीं, तुम्हारा हाथ में डिसीजन था, अगर तुम्हारा हाथ में डिसीजन था ये करने का वो करने का, तो फिर दूसरे लोग को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहला चीज है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपना गलती से सीखिए, उसको सुधारिए, ठीक है। सबसे लास्ट पॉइंट, अभी आपने ये सब देख लिया, सुन लिया, आप कहां से कहां पहुंच गए, अभी लास्ट में आपको करना है एस्टैब्लिश अपने आप, मतलब स्थापित करना, अपने आप को स्थापित करना। अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया या जॉब कर रहे हो, वो जगह पे आप अपने आप को स्थापित कीजिए, स्थापित करो। 2 साल 3 साल 5 साल, अगर 10 साल भी लग गया, अगर आपको समझ में नहीं आया काम कैसा है, 10 साल लगाओ, 7 साल लगाओ, 5 साल लगाओ, स्थापित करके आप सीखिए सब काम, अनुभव लीजिए। अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो, हारिए मत, स्थापित कीजिए, बेटर है ये। उधर अगर मक्खी मार रहे हो तो मक्खी मारिए, गिनिए कितना मक्खी आया, एक ना एक दिन इंसान आएगा आपके पास। आपका काम एडवर्टाइज करते जाइए, स्थापित कीजिए। जब एक बार आप स्थापित हो गए, फिर बेटा उधर से आपको हिलने का जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, लगता है आज मैंने बहुत ज्यादा ही बोल दिया, और होपफुली शायद ये पॉइंट्स आपको हेल्प किया रहेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं स्थापित था, लेकिन अभी ये कोरोना वायरस के कारण थोड़ा बिजनेस में प्रॉब्लम है, वो सबको है, लेकिन हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। भगवान से हमेशा प्रार्थना करते रहना कि यार मेरे साथ रहे, मुझे ताकत दे। और हम भी ये चाहते हैं कि हम आगे जाके कुछ ना कुछ, ये प्रॉब्लम तो खत्म होना ही है, कुछ ना कुछ करें। अभी मेरे ये खत्म हो गया, मैं यूट्यूब से शुरू किया काम, मैं ऑनलाइन शुरू करना सिखाने के लिए शुरू किया। तो कहीं ना कहीं से तो हम लोग को कुछ ना कुछ तरीके ढूंढना ही पड़ेगा स्थापित करने का, और तरीके देखना पड़ेगा कि कहां से हम कमाएं और हम अपने आप को स्थापित करें, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच, होपफुली शायद सब लोगों को हेल्प किया रहेगा। और ये जो है हमारा जो सब्सक्राइबर थे यश पुजारी, ये आपके लिए था स्पेशली। तो अगर आपको ये हेल्प किया रहा तो प्लीज कमेंट कीजिए, अगर आपको हेल्प किया है, अगर नहीं हेल्प किया तो भी ठीक है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, डिसलाइक मार सकते हो आप। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ रहने के लिए, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, धन्यवाद।